किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फसल चक्र के बारे में। ठीक है, तो अभी फसल चक्र क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसको कैसे करना है, इसका लाभ क्या है, ये सब बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि फसल चक्र है क्या। तो ये चीज़ें पहले हम जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दे रहे हैं एक परिभाषा के रूप में, फिर आपको हम बताते हैं। देखिए, फसल चक्र किसी निश्चित क्षेत्रफल पर निश्चित अवधि के लिए भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के उद्देश्य से फसलों का अदल बदल कर उगाने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहा जाता है। अब हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। जैसे आपका एक खेत है, उसमें एक वर्ष के दौरान जो फसलें आप उगाते हैं, ठीक है, तो उनका जो बदलाव होता है उसी को फसल चक्र कहते हैं। अब ये बदलाव किस तरह से होना चाहिए इसके बारे में हम बताते हैं। तो इसका सिद्धांत क्या है फसल चक्र का, मतलब सिद्धांत का मतलब ये है कि आप इसको किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अब जैसे आपको करना कैसे, अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद कम खाद चाहने वाली फसल का उत्पादन कीजिए, अधिक पानी के वाली फसल के बाद कम पानी वाली फसल लगाइए, अधिक निराई गुड़ाई वाली के बाद कम निराई गुड़ाई वाली फसल लगाइए, धान्य फसलों के बाद दलहनी फसल लगाइए, अधिक मात्रा में जो पोषण तत्व शोषण करने वाली फसल होती है उसके बाद खेत को परती रख दीजिए। एक ही नासी जो जीव होते हैं, जो कीट होते हैं जो ज़्यादा प्रभावित करते हैं किसी फसल को, तो उसको कुछ दिन के लिए रोक दीजिए। अब जो आपकी जो बाजार है उसकी मांग के जो है क्या मांग है मार्केट में, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए, और आपके यहाँ का जलवायु कैसी है उसके हिसाब से कर लीजिए, आपकी आर्थिक क्षमता किस तरह से है उसको कर लीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट इसमें बात आती है कि गहरी जड़ और हल्की जड़। ठीक है, अभी जैसे केला है ये आपकी गहरी जड़ वाला फसल है, और जैसे धान है और गेहूं है, मटर है, ये हल्की जड़ वाली फसलें हैं। तो अब गहरी जड़ वाली फसल के बाद हल्की जड़ वाली फसल आप उगाइए। ठीक है, अब किस फसल के बाद क्या लगाना है इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दे रहे हैं, आप वहां से देख लीजिएगा कि कौन सी फसल के बाद कौन सी फसल लगाना सही रहेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आप फसल चक्र को अपनाते हैं तो इससे आपको क्या लाभ होगा। तो लाभों की बात कर रहे हैं, किसी खेत में जब आप लगातार एक फसल उगाते हैं तो उसकी जो उपज की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, मतलब आपका उत्पादन कम हो जाएगा और उसकी उर्वर क्षमता भी घट जाती है। अब जब फसल चक्र आप अपनाएंगे उर्वरता बढ़ जाएगी, और जो आपके मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन का होता है अनुपात वो बढ़ जाएगा, आपके जो मिट्टी का पीएच मान है ये भी सही हो जाएगा, और उसकी संरचना की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपका सुधार हो जाएगा। ठीक है, और जैसे मृदा क्षरण होता है, मृदा क्षरण का मतलब ये होता है कि मिट्टी जो आपकी बह जाती है बारिश के दौरान या सिंचाई के दौरान, इसमें भी सही हो जाएगी। और जो कोई कोई फसल होती है जिसमें कई बीमारी, मतलब गंभीर बीमारियां लग जाती हैं, जैसे अब केला की बात करें तो अब पनामा रोग लगता है बिहार में, तो सिर्फ पनामा रोग बिहार में लगता है, कारण ये है कि वो 4-6 सालों से ज़्यादा एक ही खेत में लगातार केला लगाए रखते हैं, तो ये कारण होता है। तो आप जब फसल चक्र अपनाएंगे तो बीमारी से कम लगेगी, और जो कीट होते हैं ये भी कम हो जाएंगे, कारण ये है कि कई कीट होते हैं जो एक ही फसल को पे लगते हैं, तो वो क्या होता है कि जब आप दूसरी फसल लगाते हैं तो वहां पर उम्र कट के खत्म हो जाते हैं, और जो आपकी मिट्टी है उसमें विषाक्त पदार्थ, जो जहर वाले पदार्थ होते हैं, ये भी खत्म हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप फसल चक्र अपनाते हैं तो इससे जो फायदा होता है, जैसे आप कोई चीज लगा रहे हैं तो उसका जो अवशेष होता है, ठीक है, वो आपके मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। अवशेष का मतलब ये है कि साधारण शब्दों में आप समझें कि आप जैसे गेहूं मशीन से कटवा लेते हैं तो उसका बचा डंठिल डंठल बचती है, तो अभी उसको अगर आप खाद के रूप में प्रयोग करेंगे तो आपका वो अवशेष हो जाता है और वो आपके खेत को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, और जो सिंचाई की सुविधा होती है ये सही प्रयोग होता है, मतलब जैसे ज़्यादा फसल वाली के बाद आप कम पानी वाली फसल लगाएंगे
तो इसमें आपका क्या है कि ये पानी कम लगेगा, ठीक है? तो ये कुछ चीजें रही हैं, और आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, हम बता देंगे, ठीक है? और साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करते रहिए, और हम फिर आगे आपके लिए जो है वीडियो लेके आते रहेंगे। अगर आपकी कोई समस्या है, आप उस पर वीडियो चाहते हैं कि इस पर बनाई जाए, तो कमेंट में बता दीजिए, हम उस पर वीडियो बना करके अच्छे से समझा देंगे आप सबको। नमस्कार।